सर बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आपको लेके जा रहे हैं शिखर फॉल। बहुत ही कम लोग गए हैं उस शिखर फॉल पर, वो राजपुर गांव में आगे जाना पड़ता है हमें। इस समय हम खड़े हैं तिराहे पे लेफ्ट में, मसूरी के लिए रोड जा रही है और आप सामने ये विवेकानंद जी की मूर्ति देख रहे हैं और स्ट्रेट हम राजपुर गांव की ओर जाएंगे। हम यहाँ से आपको लेकर चल रहे हैं राजपुर गांव की ओर, लेफ्ट में मसूरी जाता है, रास्ते में मक्का वाला, भगवंतपुर, कुरकुल ये सब आते हैं और हम जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियां हैं दोनों तरफ, कहीं लीची के बाग हैं और बहुत ही ग्रीनरी वाला ये एरिया है। रास्ते में जो जो आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसका हिल व्यू में आगे ये देखिए जी, हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां गाड़ी हमें पार्क करनी है और इस लास्ट पॉइंट पे भी काफी बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। ये सारे रेस्टोरेंट है जो आप देख रहे हैं नीचे, चाय पराठा कैफे, क्लाउड बे, ये देखिए। ये देखिए शिखर फॉल हट रेस्टोरेंट, यहाँ आपको काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और हम अभी ये देखिए, अभी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, काफी समय से बाहर। ये देखिए जी कितना सुंदर यहाँ रेस्टोरेंट बना दिया गया है, यहाँ पूल भी है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। आज हम शिखर फॉल जा रहे हैं और उससे पहले ये पानी जो आप देख रहे हैं शिखर फॉल से ही नीचे आता है और ये पूरी रिवर बहुत ही सुंदर यहाँ से लगती है और ये आगे जाके सहस्त्र धारा में मिल जाती है। ये पानी बिल्कुल मिनरल वाटर है, आप इन माउंटेन्स को देख सकते हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा और अभी हम चलते हैं शिखर फॉल। और उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट छोटे छोटे बनाए हुए हैं आउट हाउस टाइप से, ये देखिए यहाँ सब लोग आके, ये यहाँ से नदी जा रही है इधर, यहाँ से ये सब देख सकते हैं कितने सुंदर जगह बनाई हुई है कि सब आके यहाँ यंगस्टर्स। ये भी सामने से हमारे अनिल जी आ रहे हैं खाना बनाने वाले, जो खाना बनाते हैं यहाँ, सबको सर्व करते हैं, बहुत अच्छा फ्रेश खाना बना के देते हैं। आज इनके पास हम भी कुछ खाएंगे। ये देखिए इन्होंने कितने सुंदर, और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी झोपड़ी में बैठे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे और क्लासिक इन्होंने बना रखे हैं, यहाँ पार्टी होती हैं आकर, फैमिलीज आते हैं। ये इस तरह से देखिए, वाह बहुत अच्छा यहाँ इन्होंने एरिया बना रखा है जहाँ यंगस्टर्स फैमिलीज भी आके यहाँ पार्टी करती हैं।
तो अनिल जी क्या क्या खाना बनाते हैं आप? खाने में मैगी मिलेगी, मैक्रोनी, चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, मटर, पनीर, ये सब आइटम आप बना लेते हैं। क्या नाम है आपका रेस्टोरेंट का? शिवालय कैफे। शिवालय कैफे जी। इस नदी का क्या नाम है? रिस्पना। ये रिस्पना है जी, जो आगे देहरादून में जाती है, ये शिखर फॉल से ही निकलती है जी। जी, यहाँ का पानी भी सुनते हैं कि रिस्पना का पानी बहुत बढ़िया है, शिखर फॉल का वो ऊपर चला गया, सिटी में दे दिया इन्होंने, डाइवर्ट कर दिया ये। हाँ जी, रिस्पना का पानी सारा सिटी में दे दिया, पानी पीने काम आता है, पानी पीने के काम आता है शहर में। चलिए जी, ये जानकारी आपको ही मिली है, आपको इनका एक बार दिखा देते हैं। यहाँ कैसा लगता है ना बेटा? यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? अभी ऊपर गए कि नहीं शिखर फॉल पे? हाँ गए हैं, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, वेरी गुड। उत्तराखंड तो हमेशा बहुत सुंदर रहता है। क्या बात है, क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा नाम यामिनी है। यामिनी, बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। ये जी शिवालय कैफे। अब अनिल जी को मैं कहूंगा कि इसको रेनोवेट करने की जरूरत है। ये इनका पुराने स्टाइल का पूरा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, देखिए शॉप है पूरी, यहाँ सब कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, यहीं ये सामान बनाते हैं। और बस मैं इनसे ये कहूँगा कि इसको अब बढ़िया सा बना दो ताकि आप खूब पैसा कमाएं, क्योंकि आपकी जगह बहुत ही मौके की है, ठीक है ना? चलिए जी आते हैं। शिखर फॉल जाने से पहले रिस्पना नदी के किनारे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बन चुके हैं, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, पहले से उनके पास ज़मीन थी, क्योंकि यहाँ इस समय बहुत महंगा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ, बड़े सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, कैफे रूई, चाय पराठा कैफे। और ये रास्ता हम ट्रैक का जो रास्ता है शिखर फॉल का, उस पर जा रहे हैं। एक्चुअल में ये पूरा ट्रैक जो है यहाँ से 3 किलोमीटर का है, एक गांव तक जाएंगे, रास्ते में 2-3 झरने आएंगे, और उसके बाद वहाँ से मसूरी भी पैदल आप जा सकते हैं। वो लंबा ट्रैक है, करीब 8-10 किलोमीटर का मसूरी के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रास्ता है, साथ साथ रिस्पना नदी की कल कल ध्वनि आप सुन सकते हैं। ये देखिए, आपको रिस्पना नदी को भी यहाँ से दिखाते हैं, ये साथ साथ ऊपर से आ रही है और इसी पे हम आगे चलते हैं। ये देखिए रिस्पना नदी, देहरादून में 2 नदियां हैं, रिस्पना और बिंदाल, और इनका अस्तित्व खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ समय से वन विभाग और हमारी वन मंत्री और इस सरकार के आने से वृक्षारोपण हो रहा है नदी के किनारे, एनक्रोचमेंट जो है उसको बंद कर रहे हैं। और ये हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप मेरे साथ चलते आइए। यहाँ ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश पीरियड से पाइप्स डली हुई हैं, ये इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 150 वर्ष पुरानी पाइप हैं जो ब्रिटिश काल से हम इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। और यहां से भी एक व्यू दिखा देते हैं आपको रिस्पना का। अब हम शिखर फॉल की ओर बढ़ रहे हैं।
ये देखिए जी, यहाँ से सबसे पहला फॉल का आपको दर्शन हो रहे हैं। कितना सुंदर ये शिखर फॉल का व्यू है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं, पर आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है और बादल भी। हम शिखर फॉल पर पहुँच चुके हैं। शिखर फॉल का ये पहला फॉल है, बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद हम ऊपर भी जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को। मौसम खराब होने की वजह से और वर्किंग डे भी है, आज सोमवार है, काफी कम संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। गर्मियों में आकर यहाँ बहुत ही आनंद आता है, आप यहाँ आकर नहा सकते हैं, बहुत स्वच्छ जल है ये, आप इसको देख सकते हैं, पानी कितना साफ है। ये सब नीचे की ओर जा रहा है, सब लोग फोटो खींचने में लगे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग व्यू पे क्या फोटो बन सकती है। चलिए अब इसके बाद हम ऊपर की ओर चलेंगे। इस तरह की और भी छोटे छोटे झरने आपको मिलेंगे, आप पिकनिक के लिए आ सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, मित्र आ सकते हैं, अपना भोजन बना के लाइए, आनंद से खाइए। लेकिन सबसे निवेदन है कि प्रकृति को गंदा मत कीजिए। साथ में लाए हुए जो भी प्लास्टिक का सामान है, बॉटल है, वेफर्स के पैकेट हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ गिराकर चले जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। ये मेरा सबसे निवेदन है कि हम ये ना करें और ये सुंदरता को बनाए रखें। प्रकृति की प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, पेड़ बचेंगे। चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं। चलिए जी, यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं। पहले हमने यहाँ पर शिखर फॉल का देखा, अब यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये वो रास्ता है दूसरे पड़ाव पर। मैं एक बार पूरा ट्रैक करना चाहता हूँ ये, ताकि आप सब भी उसे देख सकें। उसके लिए किसी दिन सनलाइट वाला दिन देखना पड़ेगा और पूरा समय लेके चलें, जिससे ये जो पानी आप देख रहे हैं ये उसी से आ रहा है, और ये यहाँ पर जो खेत है उनमें पानी ये देने के लिए यहाँ से ये उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से ऊपर चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे यहाँ से दूसरा फॉल। ये देखिए, जल ही जीवन है, ये कितने काम आता है खेतों में सिंचाई के। ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। हमारे ये ब्लॉगर देखिए कहाँ कहाँ बैठे हैं, हमारे गुरुजी ये कैसे कैसे शूट कर रहे हैं, एक दूसरे का हम शूट कर रहे हैं, देखो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये देखो, ये सारा पानी और ये पाइप जो है पूरे देहरादून को वाटर सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ऊपर कितनी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से हम आए हैं सर, ऊपर है वाटरफॉल, यहाँ रहने दो। चलिए आपको दिखाते हैं
ये पूरी एक छोटी सी लेक बन गई है। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ने के लिए एक नया रास्ता खोजते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं। आप ट्राई करो, यहाँ से जाओ आगे। ये देखिए जी, कितना सुंदर व्यू है। एक और व्यू, और नीचे आपने वहां से देखा था नीचे जाते हुए, और ये उसका सेकंड व्यू है। वाह जी वाह। एक बार हम भी यहाँ से ट्राई करते हैं आगे जाने की, ये चट्टान के बीच में से निकलते हुए। जय माता दी, जय हो। ये देखिए जी, थोड़ी सी मेहनत की पर आप ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये अभी हम यहाँ नीचे से आए, वहां से पानी नीचे जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से मैं इस झरने में आकर स्नान कर चुका हूँ। कितना सुंदर ये नज़ारा है। यहाँ आकर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए प्रकृति की गोद में, क्या बात है। ये देखिए जी, रिस्पना नदी किस तरह से पहाड़ की चोटी से अटकेलियां करती हुई अलग अलग सुंदर दृश्य बनाती हुई नीचे आ रही है। अब हम इसके बाद ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपको अलग अलग झरने यहाँ से दिखाए हमने, ऊपर क्या क्या व्यू मिलेगा ये आप सब देखेंगे निर्मल रतनलाल वैद्य के साथ। शिखर की ओर बढ़ते हुए शिखर फाल के विभिन्न रूपों को आप मेरे साथ देख रहे हैं। यहां से भी कुछ व्यू मुझे लगता है अपने को मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग धाराएं, वहां भी एक सुंदर व्यू है। चलिए अब यहां से आगे की ओर चलते हैं। एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, इसके बाद हम ऊपर चलेंगे। जी हाँ, देखिए वाव,
क्या स्वरूप है। कई जल धाराएं आपको यहां से दिख रही हैं, अद्भुत। सुपर्ब। ये अलग अलग धाराएं दिखाई थी हमने, और उसके बाद शिखर फॉल का आगे का हिस्सा सच में कुदरत के कितने सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ ये येलो फ्लावर्स के साथ देखिए कितने रंग हैं प्रकृति के। और ये रिस्पना नदी अलग अलग रूपों में नीचे की ओर आ रही है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, ये जो पानी का पाइप जा रहा है उसमें कुछ लीकेज हो गई है, ये भी नीचे जाके कवर करना पड़ेगा। अब हम और ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ आगे से कोई रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि हम इस तरफ आगे, लेकिन हम जहाँ वो नीचे आप पुल देख रहे हैं, पुल से क्रॉस करके दूसरी तरफ मुझे लगता है जाना पड़ेगा वो, क्योंकि आज समय बहुत अधिक हो गया है। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद्य, आज जो मैंने शिखर फॉल के बारे में आपको जानकारी दी है, आप इसको एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रकृति को बनाए रखें। प्रकृति इसलिए हमें सुंदर लगती है कि उसमें क्योंकि उसको हमने जहां जहां संजो के रखा है, जहां प्लास्टिक नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, वेस्ट नहीं है, वो प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। और जहाँ जहाँ मनुष्य गया है उसने प्रकृति का बहुत ही दोहन किया है, पेड़ों को काटा है और प्लास्टिक और बाकी गंदगी से उसको भर दिया है। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद्य आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस हरे भरी प्रकृति को बनाकर रखें। जय हिंद, जय भारत।
अच्छा, ये देखो चढ़ाई, क्या बात है, थक गया सर। नहीं जी नहीं, सर से मिलने के बाद एक मोटिवेशन आ जाती है कि ये ट्रिपल चार्ज कर देते हैं हमें। ये देखो हम कोनों कोनों में जाके आपके लिए व्यू खोज रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हम अच्छा व्यू दिखा पाएं। जी वाह, आनंद आ गया आज। ये जो आज हमने ट्रैक किया है सचमुच में बहुत ही अद्भुत है। देहरादून में शिखर फॉल का ट्रैक, आप यहाँ जरूर आएं और कम से कम एक दिन यहाँ बिताएं। मैं जब सर के साथ आता हूँ ना सर, मेरे को ऐसी ऐसी लोकेशन पे लेके जाते हैं, हिडन प्लेसेस होते हैं, और मजा आ जाता है कि नेचुरल वादियों के व्यू जो मिलते हैं हिडन प्लेसेस पर ही मिलते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट कम हो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी तो सर बहुत अच्छी मिलती है। प्रकृति से अधिक सौंदर्य किसी का भी नहीं है, तो इसलिए जिसने प्रकृति के सौंदर्य को पहचान लिया वो सही मायने में अपने जीवन को एंजॉय करेगा, और सचमुच में बहुत अद्भुत है।